सर, हाउ कैन आई बी प्रेग्नेंट? सर, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ सर? नहीं, अगर हो भी तो भी, मिस्टर आर्यन क्रोवर, फॉर योर KI कंपनी ने मर्दों को मैटरनिटी लीव देना शुरू नहीं किया है। सर, ये अर्जेंट वाला है। क्यों? तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्या आने वाला है? सर, चाचा जी आ रहा है। He's back. चेहरे पे मुस्कान लिए मानो कोई पीर फकीर है, असल में उड़ता तीर है, ये विषय बहुत गंभीर है। अम्बल लहंगा ओढ़ के छुपले अड़ोस या पड़ोस पे, छुपले देश या परदेश पे, छुपले चांद पे, छुपले मार्स पे, छुपले आगे छुपले पीछे छुपले अंदर छुपले छत पर छुपले, ढूंढ लेगा सूंघ लेगा वो तो सबसे कह कर लेगा। This interview is to check that this marriage is real and that you are not having a marriage for benefits. ये दुबारा गुफ्तगु ये जानने के लिए हैंगे कि आप दोनों सचमुच में निकाह कर रहे हैंगे या वीजा के चक्कर में इनके भाई के जीजा बन रहे हैंगे? No sir, we love each other. तो ठीक है, हम निकाह के मुतालिक आपसे अलग अलग सवाल पूछेंगे। मंजूर? मंजूर। Is this a love marriage or arranged marriage? इश्क निकाहेंगे तो तरतीब निकाहेंगे। इश्क निकाह, लव मैरिज। आपकी होने वाले खातून के अब्बू का नाम क्या है? क्या? ससुरे का नाम क्या है? पीके पटेल। ओके पटेल। हाँ जी। दो पापा हैंगे। अनाया क्या करती हैंगे? टैक्सी चलाती है। आई एम अ कैब ड्राइवर। मोहतरमा कितना खाती हैंगे? नॉट मच। क्या रोज नहाती हैंगे? हाँ। पहले कौन सोते हैंगे? मैं। कपड़े कौन धोते हैंगे? मी। ज्यादा कौन कमाते हैंगे? मैं। ज्यादा कौन उड़ाते हैंगे? मी। क्या ये सब सच हैंगे? जी। ये तो टू मच हैंगे। यस सर, वी लव ईच अदर। Haven't known any couple that knows so much about each other. Wait, sister. This is sad marriage. You're nakli nikahenge. Why do you think so, Afisa Habib? Because they know too much about each other. India, Pakistan ne bibi shohar ke baare mein agar itna jante henge, to phir wo bibi shohar nahi henge. Karan aur Johar henge. Afisa Habib, you Pakistanis always have problem with Indians. Your marriage date is in 15 days. Thank you, sir. Thank you, sir. अल्लाह, बॉर्डर पार करके बताना पड़ेगा। So the deal is, इस फेक मैरिज के लिए तुम्हनाया को 7,000 pounds लोगे, और ये तुम्हारी यूके सिटीजनशिप लेने में मदद करेगी। 2,000 एडवांस, 2,000 शादी के बाद और बाकी के वीजा के पेपर सबमिट होते ही। अनाया शादी के 6 महीने तक तुम्हारे घर पे रहेगी, और इन 6 महीने में तुमको लोगों को और गवर्नमेंट को कन्विंस कराना है कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे पति पत्नी हो, और फिर डिवोर्स। और इस दौरान तुम्हारे खाने पीने का, नाचने गाने का, खेलने कूदने का सबका खर्चा मैं उठाऊंगा, और कभी मेरे पास नहीं आओगे। अरे तो बहुत ज्यादा है यार। ये घर है, यहाँ हम रहेंगे। ये तुम्हारा कमरा है, अच्छा है ना? कम ऑन, ये बड़ा वाला है, इसका बेड भी बड़ा है, यहाँ दो लोग आराम से सो सकते हैं। एक, ये रहा तुम्हारा एडवांस, गिन लो। हाँ, पैसों के मामले में हमेशा क्लियर कट रहना चाहिए, और मैं तो हमेशा रहता ही हूँ। These are 1,500 pounds. वो मेरी सैलरी नहीं आई ना, सैलरी आते ही दे दूंगा, और अब तो हम लोग होने वाले हस्बैंड वाइफ भी है। नकली सही, बट मैं कब आगे जा रहा हूँ यार? Listen dude, cut the crap.
एक एक पाउंड गिन कर लूंगी और अगर एक भी पाउंड कम हुआ ना तो तो हम तो होने वाले हस्बैंड वाइफ है ना। तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड को किस कर सकती हूँ ना। Stop making that piggy face, baby. वो पाकिस्तानी ऑफिसर तुम्हारे बैकयार्ड में है। याला, इतना लंबा चुम्मा लेते होंगे। अरे मिस्टर हबीबी, आप यहाँ भी? अल्लाह वाला है इसीलिए उसका बंदा दीवार पे चढ़ा। वैसे भी हम हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों का रिलेशन अगल बगल का हैंगे। मतलब हम नक्शे में भी आपके बगल में हैंगे और यहाँ यूके लंदन में भी आप ही के बगल में हैं। मतलब ना वहाँ चैन से रहने देते हैं ना यहाँ रहने देंगे। ऑफ कोर्स है मोहतरमा, क्या बोला है? तो मिलते हैं सर जी कल। सर जी कल? नो सर जी कल मतलब टुमारो। हमारे जिगर उधर आएंगे लेकिन नजर इधर आएंगे। गलत निगाह करते हैं? नो सर, फाइनली यू गेटिंग मैरिड। हाँ बड़ी कैंट है। अजीब लग रहा। कोई चॉइस नहीं थी यार। चार साल से इस कंट्री में वर्किंग वीजा पे हूँ। वीजा एक्सपायर होते ही गोरे मुझे वापस भेज देंगे। और मुझे ना इस कंट्री में सेटल होना है। इस शादी के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अच्छा वैसे शादी कहाँ हो रही है? मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में हो रही है? नहीं, मेरे पहले पापा ना पीके पटेल, उनके यहाँ बारात आएगी और दूसरे पापा ओके पटेल, उनके यहाँ से डोली उठेगी और मेरी दोनों मामी गरबा करेंगी। अनाया लिसन, आई एम सॉरी, यू नो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो फिर ऐसी बातें करती क्यों है यार? इट्स गोना बी मी हिम एंड जस्ट द टू ऑफ यू। मम्मी पापा है नहीं, कुकी चाचा को बुला नहीं सकता तो आएगा कौन? ऊपर से नकली शादी में असली मेहमान कहाँ से लाऊं? और काके तू ना अभी इन मेहमानों को जानता नहीं है। वो ये मेहमान यार एक अजीब टाइप की ब्रीड होते हैं। तू ऐसा समझ ले मेहमान भगवान की तरह होते हैं। वो इसीलिए तो कहते हैं अतिथि देवो भव। डले ही खोल के बोतल पूछे कुछ नमकीन है। वो चाहे जितनी हद कर दे तू कुछ भी ना कह पाएगा। बन के मदारी तुझको फिर वो डमरू नाच न जाएगा। देसी हो या चाहे विदेशी आ जाए फिर कैसा रेस्ट। 2020 बोल के भैया खेलेगा वो पूरा टेस्ट। सेज सजाई ख्वाबों की चाहत ही सनसनी की। यार एक बुड्ढे ने एस्केलेटर में ना छाता घुसेर दिया। किस गधे ने किया ये? लो आ गया मेहमान। बुड्ढे हुन आ जा। आ जा। मैंनु डर लगता है जी, ये सीढ़ियां फिर से चल पड़नी है। नहीं चलेगी, मैंने छाता घुसेर दिया है। आ जा। सर आई एम वार्निंग यू, टेक आउट द अम्ब्रेला। अरे पाए एक मिनट, प्रॉब्लम कितने है, आ जा ना। की सियाबा है, मेरे से नहीं होना। अरे आजा ना, कुछ नहीं होता। कोठे ते आरा मैया। सर टेक द अम्ब्रेला आउट नाउ। कोठे ते आजा। हियर मैन। गुड्डी आजा। बट आई डोंट नो दिस मैन। Well, he knows you. He says it's your cha-cha-cha. Sir, ask him to remove the umbrella or I'm calling the police. No, please, please, now. Please, wait, wait. Excuse me, uncle. काके? ए काके? काके? क्यों होया? ए गुड्डी, ये देख, ये तो अपना काका है। सबके जमा इतना बड़ा हो गया, मैंने तो इतना सा देखा था इसको।
क्या देख रहे, तेरी चाची है गुड्डी चाची। काके? गुड्डी थोड़ी बुड्ढी हो गई है। गुड्डी चाची? नहीं अंकल, आप कौन और यहाँ कैसे? ओ, नहीं पहचाना? गग गंगा शरण गणदोत्रा गग, नहीं पहचाना? प्रॉब्लम कितने है पुत्र? कुकी चाचा बठिंडा वाला जानता है? हाँ हाँ, कुकी चाचा। हाँ, हाँ। कुकी चाचा के पड़ोसी हुआ करते थे। पड़ोसी तो है, पड़ोसी की एक बीवी थी बॉबी, याद आया? बॉबी, अरे गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी, मोहल्ले वाले उसको मलाई बोलते, मलाई। और सामने ही धोबी रहता था। करतार सिंह, करतार सिंह गुड्डी नु याद है? और करतार सिंह पुत्र मलाई खा गया, ओ मलाई नु ले उड़ा भागा। हम उसके किराएदार है। हाँ। करतार सिंह के नहीं, मलाई के किराएदार है। कुकी चाचा के पड़ोसी के किराएदार? हूं याद आया, मैंने कहा ना हिंदुस्तानी बंदा कहीं भी चला जाए अपनी जड़े नहीं भूलता। आज 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 ए सबा, ए सबा, दिस इज योर लास्ट चांस, आस्क हिम टू रिमूव द अम्ब्रेला नाउ। अंकल, चाचा जी, छाता आप निकाल दीजिए ना प्लीज। ये ले, उखाड़ दिया। मुझे थोड़ी अंदर छाता खोलना है। अब मैं ऊपर कैसे आऊंगी? तो ऊपर आके झंडे गाड़ने, हम नीचे आ रहे हैं। ओ सामान उठा और चल। कहाँ? घर। घर? हाँ, कुकी ने कहा था लंदन जाओगे तो काके से जरूर मिलना। बोले आ गए हम, तो दिल खुश हो गया। आ जा, आ जा, आ जा। और दसो सब ठीक है? अरे लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब तक तो नहीं थी। चल जी। कुकी चाचा मेरे साथ ही है। सॉरी आपका फोन नहीं उठा पाया। नहीं, आपके पड़ोसी के किराएदार है तो ख्याल तो रखना ही पड़े। पैर छुए मैंने? नहीं नहीं पुत्र, वो तो भूल गया। गुड्डी पैर दे, पैर दे गुड्डी, दो है ना एक दे। जी छू लिया। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कैसी है? ये कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ जी, मैं कॉल करता हूँ। बेटा इनका जरा पेट ठीक नहीं, तुसी भी ना। कितनी बार कहा है मूली के पराठे हजम नहीं होंगे। और दसो सब ठीक है? महाराज आ गए भाई। काके पुत्र, जगह तो बड़ी सोनी है। आ, काके बगल में कोई ठेका वेका है? ठेका? छड़ो तुसी। अंदर चले ना चाचा जी। काके गल सुन पुत्र। देख बेटा, हम तुझ पे बोझ बनना नहीं चाहते। तू कहता है तो हम किसी होटल में रुक जाते, क्यों गुड्डी? हाँ जी बेटा जी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते ना। कैसी बात कर रहे चाचा जी, तकलीफ थोड़ी है, गैर थोड़ी, पराये थोड़ी है। ये घर भी तो आप ही का है। जिंदा रहे पुत्र। लेकिन फिर भी अगर आप लोग होटल में रहना चाहते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकता हूँ? चपेट मारूंगा मुंह पे पैन। ओ चाचा चाची, ये तेरे कोई गैर है पराया है? तू हक से रोक सकता है, क्यों गुड्डी? आहो जी, हक बनता है, तू रोक के दिखा और देख हम रुकते है कि नहीं। कोई रोक, रोक, रुक जाइए चाचा जी, रुक के। इतनी सी बात, हम पंजाबियों का दिल दरिया होता है पुत्र। ऐवी बात करते रहते। चल पुत्र, तेरे नाल ही रहेंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे। जी आपका बेडरूम है। पुत्र कमरा बड़ा छोटा है। जी अलमारी बड़ी है। यहाँ ऐसी होता है? अरे अरे रहन दे बेटा, मैं कर लूंगी, ये सब औरतों के काम होते हैं। वो धुले नहीं गंदे कपड़े, तो धुल जाएंगे ना बाथरूम में। ये कमरे बड़े निक्के निक्के हैं। पलंग बड़े पोले पोले। अरे कुछ नहीं हुआ, सो जा। कमर अकड़ गई। सब ठीक? आर्यन,
प्रॉब्लम कितना है? आर्यन, 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 मुझे लगा तुम लेट होगी. Not important. There's a man in my bedroom और वो मेरे बेड पे बैठ के. गुड्डी चाची, can you explain this? अजी, तुम्हारी अंकल के नेबर के किरायेदार. पर वो तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं? अरे होता है ना यार, इंडिया में गेस्ट ऑफ गेस्ट ऐसे ही कभी भी कहीं पे भी आ जाते हैं. पर तुम उनको जानते तक नहीं हो यार. बचपन में देखा है शायद, बट कुकी चाचा जानते हैं. प्लीज ना, मैं कुकी चाचा को अपसेट नहीं करना चाहता. अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, वो मेरे बेडरूम में सो जाएंगे. प्लीज ना आप. अरे सीधे साधे बुजुर्ग लोग हैं, चार पांच दिन लंदन में घूम के चले जाएंगे. तो प्रॉब्लम कितना है गुड्डी? छेड़ो जी, आपको क्या लगता है वो लड़की काके की बीवी है? मैंने लगता है घर में चोर है जी. हां, बिना मुड़े पीछे देख. बिना मुड़े देखा? काके को आवाज दो. हां, काके को की करना है, मैं हूं ना. अल्लाह रहम. अरे दूर सारे खामोश है, चिल्ला चिल्ला कर हुहार कर रही है. भाईजान हट जाओ, आपस का मामला है. अरे आप पर मामला नहीं क्या है? पड़ोसी के घर में चोर. अरे चोर गुस्से का गुस्से बता. एक दरवाजा और है, लेकिन मेरे पास एक दीवार और है. अरे तेरी तो अल्लाह मदद, अब जो मदद हम भी मदद. ये कौन है? लोरे नजर जीरो फिगर, हमारी बीवी हैंगी. हैं? इतनी हसीन तेरी बीवी है? साले बीवी भी चुराता. फिकर न कर, हम संभाल लेंगे. फिकर न, सब संभाल लेंगे. सीज फायर, खुदा के वास्ते रहम कर, रास्ते रहम करिए. हम इनके पड़ोसी हैंगे. पड़ोसी है? नेबर, सामने वाले घर. नेबर? वो तो पड़ोसी है. हैंगे? फिर भी चोरी से घुसता है, पाकिस्तानी है. अल्लाह, आपको कैसे मालूम? हरकतों से पता चल गया. चल आजा, अंदर आजा, चाय शाय पीते आजा. नहीं नहीं, हिंदुस्तानी पहले मारते हैंगे, बाद में मरहम लगाते. अरे छुआ आजा, आजा पड़ोसी है, पड़ोसी आजा. और सब ठीक? और ये कौन है? नेम? हारून हबीबुला. वी कॉल हिम हैरी. नो हैरी, हारून. हारून तो अल्लाह का नाम है, मैं तो इसे हारून ही बुलाऊंगी. आप दोनों जनाब कौन हैंगे? ये मेरे चाचा चाची इंडिया से आए हैं. अंकल आंटी इंडिया. दावत निकाह में आए होंगे. किसकी दावत? किसका निकाह? इन दोनों का निकाह. तो बड़ी गलत बात है बेटा गुड्डी, ये दोनों शादी करने जा रहे हैं और ये बात हमको पाकिस्तानी घुसपैठिया बता रहे. मतलब इन्हें इल्मे निकाह नहीं हैंगे? किल्मे? हमारी शादी के बारे में बताया कि नहीं बताया? इनको क्यों बताना है? अभी अभी मतलब सरप्राइज देना चाहते थे चाचा जी. चाचा चाची, हम दोनों 10 दिन में शादी कर रहे हैं. कुगी नु पता है? नहीं. हाँ, पर वो आ नहीं सकते ना. हाँ हाँ, ऑपरेशन है. कोई बात नहीं, हम लोग तो आ गए. की सोनी कुड़ी है. ए जी, आशीर्वाद तो दो. मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता. क्यों? उसे कहो कपड़े पाके आए. चाचा जी पहने तो है. पूरे कपड़े पाके आए काके, निक्के निक्के कपड़े में सज्जे खब्बे हो जाता है आशीर्वाद. इधर उधर बिखर जाता. हाँ, वो वाली ड्रेस ना एक बार पहन के आ जाओ ना. वो पूरे कपड़े थे उसमें. आशीर्वाद वाली ड्रेस है पूरी चाचा जी. बस बस अभी आ रही चाचा जी. गुड्डी, ये पाकिस्तानी पुत्र दे वास्ते चाय शाय बना. मैं कब से पुत्र हो गया? देख भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता बाप बेटे दा रिश्ता है, समझ गया? जी अभी चाय बनाती हूँ और कुछ मीठा भी लाती हूँ. चाय नहीं बन सकती? क्यों? वो चाचा जी दूध नहीं है ना. हाँ तो प्रॉब्लम कितना है? ओए गुड्डी,
बगल वाले पड़ोसी से दूध लेकर। चीनी भी नहीं है। कमाल करता है यार। ओए तेरे कोई पड़ोसी है? मैं जो पहनती हूँ मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही पहनूंगी। अरे नायब नायब, अच्छा तो मुझे भी लगता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट दे आर ओल्ड फैशन पीपल और इंडिया में बहुएं बड़ों के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनती। बहू बहू किसकी बहू? ये शादी को तुम ज्यादा सीरियसली मत लो। मैं कहां सीरियसली ले रहा हूँ, मैंने तो चाचा चाची को बताया तक नहीं था, वो उस हबीबी ने बोला। वैसे एक तरीके से अच्छा ही हुआ, अब चाचा चाची के चक्कर में सबको लग रहा है कि हम रियल मैरिज कर रहे हैं। थोड़ी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी एक्टिंग? ये थोड़ी ज्यादा एक्टिंग है, ये ओवर एक्टिंग है आर्यन। कुछ तो ढक लो यार। What's wrong with you? नीचे सारे गेस्ट आए हैं। सारे? चाचा जी ने, चाची जी ने चार छह लोगों को चाय पे बुलाया। सारे नहीं, बस सोनी लग रही है, हैं? आइंदा निक्के निक्के कपड़े पहन के आए तो चाचा जी घर छोड़ के चले जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस की है, ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। सुखी रह, सुखी। ए गुड्डी शुरुआत दे। ए लो, म्युनिसिपैलिटी के नल से पानी आए ना आए इनकी आंखों से बहना शुरू हो जाए। कभी कभी तो मोहल्ले वाले बाल्टी लेकर आ जाते, थोड़ा और रो दीजिए गुड्डी जी, कपड़े धोने बाकी है। चुप हो जाओ जी। आजा बेटा आजा, सबके पैर छोए हमारे मेहता साहब है। जल्दी जल्दी बेटा, बुजुर्गों के पास टाइम बहुत कम होता है। खुश रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, और आप? Myself बोनी सिंह एंड दिस इज माय वाइफ पोनी सिंह। पोनी बोनी का पैकेट डील है, वो ले लो, शीर्वाद ले लो। जिन जिन के पास पैर है सबके छू लो और जिनके पास हाथ है सब शीर्वाद दे दो, फटाफट फटाफट। दस दिन बाद मुंडे की शादी है, सबको आना है। मैरिज पार्टी आफ्टर 10 डेज मैरिज सेलिब्रेशन, कम एंड पार्टी हैविंग। लो जी पिन्निया खाओ। अरे वाह वाह वाह, अरे पंजाब की खुशबू आ गई साहब घर में आज। देसी घी दी है? तेरे पियो दी है? इन्होंने अपने हाथों से बनाई है साहब। आपकी मेरी बहुत बढ़िया जमेगी। अरे मेहता साहब, जमाने के लिए तो जाम शाम भी होना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। साड़ी पोनी नू पटियाला बड़ा पसंद है। और मेनू पटिंडा पसंद है। चाची जी पटियाला पैग होंदा है? बटिंडा बोतल होंदी है। ओए गुड्डी, ओ ऊपर से ड्यूटी फ्री वाली बोतल लेकर। हां, और काके को ग्लास फ्लास्क लेके आ जा। और बेटी सुन, हरी ककड़ी, सफेद मूली, लाल टमाटर, गाजर सबको काट छाट के लेके आ। और कुछ चाहिए? पापड़ भी। पापड़ पनीर भी। हां पापड़ पनीर भी लेके आ। नमकीन नहीं लेंगे चाचा जी? नमकीन तो लगेगा ना, खोते दे पुत्र, नमकीन के बगैर शराब शराब नहीं लगती। चले क्या? जा। और ओए तेनु की चाहिदा? कश्मीर। इज सो फनी यार, बहुत सही चाचा दे रहा भाई। बात से तुझे इतने सही लग रहे तो तू ही रख ले। और बस बस इतने भी सही नहीं है। वैसे उनका यहाँ आना ना तेरे लिए भाई ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है। आजकल यूके की गवर्नमेंट शैम मैरिजेस पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। और चाचा जी के आ जाने से उस पाकिस्तानी कॉप को यकीन हो गया कि तुम लोग रियल मैरिज कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम्हें ना शादी तक उन्हें यही रोक लेना चाहिए। हाँ? ओए अपने बॉस काली को तो तू झेल ही लेता है। ओ यार उससे तो अच्छे ही हैं। Miss me guys. Hey. Hi. Hey, Agatha. How are you doing, Louis? Welcome back from China, okay? Mister. Big tea guys, big tea. Big thanks. You know today is a big day for SD, soft dogs. You know why? It's because we got the project from China. And Aryan, you have to be ready with the presentation. Thank you so much, sir. You know, if you want to be an L, then you have to be like K. Only then you can be a C. Sir, L for? London. And K for? Kangaroo. Kalia. And of course, C is? True. Champion. Champion. Congratulations, A. I heard you're getting married to a B.I.B. A British Indian babe. Yes, sir. Very good. It will give you a lifelong stay in UK. United Kingdom. You're getting it. Hello? 7,000 pounds kam nahi hote? Sherry is right. You need to buy the house. Aur kab tak apni taxi mein soyegi?
Wow. Amazing. Guys, this is IPG, Indian Punjabi Gobi. ये गोभी चाची जी ने बनाई है? नहीं सर, ये चाचा जी ने बनाया. Too good यार, too good. Stop eating. I want to know one thing. कि कोई आदमी इतनी अच्छी गोभी कैसे बना सकता है? सच्ची? हाँ? ये पकड़. अरे ये आदमी है या क्या है? अतिथि है सर. Very good. फिर इस अतिथि को हमारा अतिथि भी बनाओ. आई वुड लव टू मीट दिस चमत्कारी अतिथि. बॉस, ये जो तेरा अतिथि है ना, तेरे बहुत काम आने वाला. अच्छा भी लग रहा है या ऐसे ही खाए जा रहे हो? चाची जी बहुत टेस्टी बना है, क्यों आ रहे हो? अरे बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ तुम भी चाची से कुछ सीख लो. ले, मैं कोई मास्टर दी शेफ? हाँ. अरे चाची जी आप तो उससे भी बेटर हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको हमारे पास कुछ दिन और रुकना पड़ेगा ना. अरे बट चाचा चाची कहाँ जा रहे हैं भाई? हम मेहमान हैं, कब तक रहेंगे? चाची जी आपने सीरियसली अपने आप को मेहमान कहा? चाचा जी देखिए चाची जी कैसी बातें कर रही है. बराबर बोल रही है बेटा. नहीं, अगर आप लोग चले गए तो हमारी शादी में भांगड़ा कौन करेगा? ओए पुत्र, अभी चाचा जी आपके बेटे की शादी हो रही थी तो आप नहीं रुकते? ए काके, दिल जीत लिया तुमने. हैं ये देख, म्युनिसिपैलिटी के नल में पानी आए ना आए, इनकी आंखों से गंगा जमना शुरू हो जाती. कभी कभी तो मोहल्ले वाले बाल्टी लेके आ जाते हैं कि थोड़ा और रो दीजिए, कपड़े धोने बाकी. बस करो जी. अरे शादी का बेटा, तेरे पूरे घर को सेट करके जाएगा. भाई मेरा तो हो गया. बार 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 ये रात को राजमा इतना अजब नहीं होता है. इनका जरा पेट खराब रहता है. अरे चाची जी, इट्स नेचुरल. गैस गैस वायु. देखा है, लंदन में रह के भी संस्कार नहीं बदले हैं. अरे बुजुर्गों की बात तो बच्चों के लिए आशीर्वाद समान होती है. तो मोहल्ले में बांट के आता. Oh, I'm sorry, अनाया, मेरे चाचा चाची की वजह से तुम्हें. I hate the way you take off your shoes. Sorry, मैं ध्यान रखूंगा. I hate the way you tie your pajamas. Sorry, And I hate the way you sleep. यहाँ नहीं सोगे तुम? तो? पर बेडरूम में. क्या क्या चाचा चाची क्या सोचेंगे? कुछ दिनों में हमारी शादी और हम ऐसे सोते हैं, थोड़ी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना. मैं भी यही सोच रहा था, फिर सोचा कि तुम क्या सोचोगी, तो सोचा कि सोचने का क्या फायदा. मतलब बनाया और मैं एक ही बेडरूम में, एक ही बेड में. चाची आई लव यू टू मच. चाचा जी आप? हाँ मैं. अनाया गए? तेरे चाचा जी ना जरा ओल्ड फैशन दे. शादी से पहले लड़का लड़की एक कमरे में सोए, उनको जरा और जल लगता है. अच्छा, और लड़की और लड़के की चाची एक कमरे में सो सकते हैं? हाँ बिल्कुल सो सकते हैं. पता है शादी के बाद 4 साल तक मैं अपने सास के साथ सोती थी और ये अपने बाबूजी के साथ. ये सही है? दे. नींद नहीं आ रही. ये क्या कर रही हो चाची जी? बेटा तेरे पैर को अपने पैर से बांध रही हूँ. क्यों? मुझे ना नींद में चलने की आदत है.
अब जे मैं चली तो तू मुझे रोक लेगी। चाचा जी का आइडिया है, चंगा है ना? अब सो जा। मैं कहती थी आएगा। मैरा कहती थी आएगा। पूछे कुछ नमकीन है वो चाहे जितनी हद कर दे तू कुछ भी ना कह पाएगा। बन के मदारी तुझको फिर वो टपरू नाच न जाएगा। देसी हो या चाहे विदेशी आ जाए फिर कैसा रेस्ट 2020 बोल के भैया खेलेगा वो पूरा टेस्ट। सेज सजाई ख्वाबों की मच्छरदानी लगा गया चाह थी एक संसदी की वो भी तो सजाई ख्वाबों की मच्छरदानी लगा गया चाह थी एक संसदी की इसकी नजर उतारती हूँ। पकड़ ले। आजा, दो मिनट लगेंगे। आजा प्लीज, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है, प्लीज समझिए ना। बेटा, अभी टाइम नहीं लगेगा, बस दो मिनट। ये क्या कर रहे हो आप? नजर उतार रही हूँ इसकी। सीधा पकड़, अच्छे से पकड़। अरे बाबा, हो गया, बस हो गया। ओ गॉड, क्या हुआ? ओ गॉड, इसने मेरे पर सुसु कर दिया। सुसु नहीं बेटा, पॉटी की है। पॉटी नहीं सुसु की है, सामने देखिए। सामने नहीं बेटा, पीछे देख, पॉटी की है। आपको पता था ये पॉटी करने वाला है? और नहीं तो की, इसलिए तो नजर उतारी। कोई नहीं बेटा, ला देख तू, अभी जल्दी मम्मी बन जाएगी। ला, इसे मुझे दे दे। आ जा बच्चा, आ जा, आ जा। हमारे इंडिया में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और उनकी सुसु प्रसाद मानी जाती है, तो ना आशीर्वाद की तरह लो और खाओ। अच्छा, तुम ही खाओ ये आशीर्वाद और प्रसाद, मुझे नहीं चाहिए। उस बच्चे से जान मुझ के मेरे ऊपर सुसु करवाया। He shone all over my brand new dress. I'm still stinking. तुम्हारा बच्चा जब तुम पे सुसु करेगा तब क्या करोगी? मेरे ऊपर क्यों? तुम करवाना अपने ऊपर। बच्चों को संभालना माँ का काम होता है। What about बाप? वो क्या करेगा? बाप बच्चों की पिटाई करेगा। Hey, don't you dare hit my kids. पीटूंगा, नंगा करके पीटूंगा, रोक के दिखाना। तुम हाथ तो लगा के दिखाओ उनको। हाथ हटा। बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? तुम लोगों की फेक मैरिज हो रही है, रियल मैरिज नहीं हो रही है। इसको बार बार कौन लाता है? ओ देख यार आदे, ओ यार तुम दोनों ऐसे असली में लड़ते रहोगे ना, असली शादी करानी पड़ जाएगी तुम्हें। 3 दिन बचे हैं, hold your horses, please. I'm sorry. It's okay. I'm sorry too. तो फिर 2 दिन बाद मिलते हैं रजिस्टर ऑफिस में। मम्मी, sounds good, but शादी रजिस्टर ऑफिस में नहीं,
गुरुद्वारे में होगी, सच चाचा चाची चाहते हैं। तेरे चाचा चाची की तो मैं बना रही हूँ। शादी करके बहुत बड़ी गलती कर। नहीं नहीं नहीं, he's absolutely right. Marriage is a waste of time and money. क्या बात कही, आ जा जा झप्पी पाले झप्पी पाले झप्पी पाले। ओ भाई साहब, अब लड़के वालों की तरफ सही और लड़की वालों की तरफ। नहीं, मेरे बॉस है चाचा जी। बॉस 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 भाई साहब, क्या बात कही। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी शादी कर, शादी नहीं करनी चाहिए। ये सपना मैंने सजाया, जच रहा है। पता है जब मेरी शादी हुई थी पलंग भी नहीं था, मंजी थी। मंजी समझती है, खट खटिया खट, कॉट कॉट। या हाँ, तो
इनके बैठते ही वो टूट गई। सारी रात जमीन पे बैठ के ही बातें करते रहे। बेटा, साथ ना रहने के बहुत सारे बहाने बन जाते हैं, पर साथ रहने का बस एक बहाना बहुत है। पता है क्या? ओए पुत्र, तू क्या अंग्रेजों की तरह पी रहा है? अरे पंजाबियों की तरह पी। चल बम चक दे। बेटा साहब, बम चक दे मींस बॉटम अप बोल रहे हैं ये। राइट चाचा जी। ओ आज हम सब ओ बम चक्के पियेंगे। 1 2 3 पसूड़ी पै गई। काके ने शादी करके गलती कर दी। I agree. एक बात बताओ भाई, वो तुसी टेंट वाले हो कि बैंड बाजा वाले? अरे यार, इनके बॉस है ना बॉस। अरे मैनु सब पता है कौन क्या है। वो तुझे क्या लगता है मैनु चढ़ गई है? हैं? मैनु चढ़ गई है? अरे चढ़ गई है। चाचा जी, ये जबरदस्ती भारी सो जाता। वो होना चाहिए था नीचे, बहुत बॉटम्स अप वगैरह बहुत। सब अच्छा है हा? यस, अरे असली है, सब सब सच है। शादी भी सच थी, तुम भी सच। अरे यार क्या सच, बातें सच, अरे होठ सच, तुम एक ही पूरी सच। पर सच सच बात तो एक पता ही नहीं कि सच क्या है। सच बोलू तो मुझे भी नहीं पता कि सच में सच क्या है, क्योंकि सच तो कुछ है ही नहीं। एक सच के तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच्ची लगती है। काश रिश्ता सच्चा होता, कितना अच्छा होता। गुड मॉर्निंग काके। गुड्डी, काका उठ गया। काका को चाय दे और मुझे नाश्ता दे। हाँ जी, अभी लाई। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। पता है किसकी है? चाची जी ने खीर बनाई है। खीर तो बनी है पुत्र, पर मैं नहीं बनाई। मुझे बनानी नहीं आती, चाची जी ने सिखाई है, तो अगर खराब बनी है तो पहले से सॉरी। बहुत अच्छी बनी है। क्या बनाया? ये खीर है? अमृत है, अमृत बनाया है। ने भी डरा दिया बच्ची को। चली गोड़ा, मम्मी की याद आ गई। आजा 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 पुत्र, इतने आजा आजा। जा बेटा जा।
था चाचा जी? अरे नहीं बेटा, जब बहू पहली बार किचन में जाती और बिना जलाए खाना बनाती है तो शगुन देते हैं, ठीक है? चाचा जी यहाँ नोट नहीं पाउंड चलते हैं। चुप रहे पाउंड के पुत्र, ये शगुन है, ये सब जगह चलता है। तो गुड्डी को सोने का क्या करना है, हाँ? उसका सोने का टाइम हो गया। तुसी की खाओ जी। भले करो। सारी नहीं खत्म कर दी। ये घर अब तेरा हुआ और तेरा भाग इस घर। ब्रिज को क्या कहते हैं? लंदन ब्रिज। मुझे भी यही लगता था, फिर पता चला जिसे हम लंदन ब्रिज समझते हैं वो एक्चुअली टावर ब्रिज है। मामा पापा के डिवोर्स के बाद पापा ने मुझे मामा के पास छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मामा ने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो मुझे किसी के पास छोड़ नहीं सकती थी तो यूं ही छोड़ दिया। I was 17. तब से 6 सालों में रेस्टोरेंट में काम किया, पढ़ाई करी, टैक्सी चलाई और फिर तुम मिले, पैसे लेके शादी करो और छोड़ दो। मुझे लगा था छोड़ देना ही लाइफ है। तुम्हारे साथ रहते रहते पता चला कि साथ रहना जिंदगी है। क्या हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? तेरे बिना तड़पे ये, तेरे संग धड़के ये, ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए ही नहीं, सॉफ्ट डॉग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लुई, आई डोंट वांट एनी डीज, एनी सीज और एनी एम्स। नो डिस्टरबेंसेस, नो कॉल्स एंड नो मीटिंग्स। ओए मारा दीजिए हो।
चाचा जी कालिए महाराज व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज जय हो दिस मैन इज अनस्टॉपेबल हां वो तो ठीक है जा चाचा जी आप यहां अरे पुत्र मैं घर पे बैठे-बैठे बोर हो रहा था तो सोचा ऑफिस में आके कालिए साहब के साथ थोड़ी गपशप कर लूं और दसो तो ठीक है एवरीथिंग्स फाइन चाचा जी गाइस दिस इज चाचा जी या अ वंडरफुल मैन फुल ऑफ ह्यूमर फुल ऑफ कल्चर Tomorrow in the office party, Chacha Ji is going to be our SG, our special guest. Chacha Ji, party में आपको आना है। आज ही आएंगे, जरूर आएंगे जी। और कालिया साहब, बड़ा चंगा ऑफिस बनाया है, हैं? दबा-दबा के खर्चा किया है, हैं? After all, कंपनी का ऑफिस है चाचा जी। किस कंपनी का है जी? जिस कंपनी में हम काम करते हैं, SD, Soft Dogs. Soft Dog. पोला कुत्ता भोगता नहीं है खाली चाटता है पोला कुत्ता पोला कुत्ता जी, जी, जी। चाचा जी ये मेरी टीम है हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं बड़ी बड़ी टीम है कालिया साहब बहुत काम करते हैं ये लोग आप क्या करते हैं चाचा जी आई एम द बॉस हाँ काम क्या करते हैं चाचा जी मैं बॉस हूँ अरे बॉस दी मादी सिरी कालिया साहब काम दसो अरे बॉस का काम वी आर गेटिंग लेट फॉर द प्रेजेंटेशन वी शुड गो चाचा जी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो प्रॉब्लम कितने मैं फुर्सत में हूँ पुत्र जाके आओ ओके लुई प्लीज टेक केयर ऑफ चाचा जी ही स्पेशल जस्ट लाइक यू ओके चाचा जी सी यू चाइनीज चाइना और दसो सब ठीक है Whore? You call me a whore. Whore. You are the whore. No. First you whore the soul, baad mein main whore the soul. I'm not a whore. 你在说什么啊你？太过分了！我是女孩子呀，你不可以这样啊！太过分了。कमाल है पानी तक नहीं बुझा चलेगी कनेक्शन लगाना ही भूल गया I am really pissed. Sir, try and understand. What do you mean understand? This is bad work, sir. कालिया साहब, वो सब ठीक है? Of course, sir. सब ठीक है. तो फिर पानी पी लो, ठंडे हो जाओ. Hey, you have to understand. The company is called Soft Dogs. Don't be a soft dog. All right? K is L and L is K. क्या हुआ सर डिस्पेंसर तो शॉक मार रहा था आपने सिर्फ पानी क्यों निकाला है इसीलिए तो इसका कनेक्शन निकाला हुआ था कनेक्शन लगाया काके मर गया ना सो रहे हो ना सोने दे रहे हो 12 बज गए बहुत बड़ी गलती हो गई है गुड्डी पाप हो गया बॉस जैसे चंगे बंदे कब मैं तंदूरी चिकन बना दिया जब तक मैं बॉस को सॉरी नहीं कहता मेरी नींद नहीं आएगी देखो जी आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना हाँ लेकिन गलती तो हो गई है ना कनेक्शन लगा था ना बॉस का भरता हो जाता नहीं मैंने नींद नहीं आएगी तो क्या आधी रात को जाके सॉरी बोलोगे आधी रात को जाके मैं पूरा सॉरी बोल के आना थोड़ा दिमाग खराब हो गया सवेरा नहीं होना है तब जाके बोलना सॉरी ए गुड्डी ये हुई ना गलत अरे तू बड़ी ट्यूबलाइट है कल बॉस ने मैनू पार्टी विच बुलाया है स्पेशल गेस्ट तो पार्टी में जाके स्पेशली टाइम लेके लंबा सा सॉरी बोल Please, come. You're already late. please, go. Rush, take care of the guests, yes? Oh, Mr. Kalyan. Kaise hain aap?
सुना था आपको कल ऑफिस में शौक बहुत बड़ा लगा। नहीं, वो कोई गधे का बच्चा है, उसने ना वो कनेक्शन वो मेरे को मिल गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। Won't leave him. साहब, कालिया साहब, चाचा जी, वेलकम। ओह, थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं कालिया महाराज, तुसी माफी दे दो। I'm very, very sorry, कालिया। अरे चाचा जी, किस बात के लिए? वो हम लेट हो गए ना आने में, इसलिए चाचा जी सॉरी कह रहे हैं। इसलिए चाचा जी is feeling very guilty. बहुत guilty. Amazing, चाचा जी, amazing. Ladies and gentlemen, this is Chacha Ji from India. Amazing man, full of culture. In fact, he is Indian. Oh, वो सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मैं माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really sorry. Okay, Chacha Ji, okay, कर दिया, माफ कर दिया। खुश, happy. अरे नहीं, काम करो ना, चाचा जी को ड्रिंक पिलाओ। हाँ, प्लीज टेक केयर ऑफ देम, आई विल सी यू इन अ बिट। हाँ, मैं कोई काम नहीं। बहुत गलत तो सुनो, माफ कर दिया ना बॉस जी ने, अब तो हैप्पी। बॉस ने माफ कर दिया, लेकिन किस बात के लिए माफ किया बॉस को पता नहीं है ना। नाइस ड्रेस, थैंक यू। वेल, यू कैन थैंक मी इन अ बेटर वे। आई डोंट अंडरस्टैंड। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड। चाचा जी, कुछ चाहिए? माफी चाहिए जी। I'm sorry, boss. I'm really sorry. दे दी चाचा जी, दे दी। नहीं जी, बॉस समझे नहीं आप। I'm sorry. चाचा जी, मैंने आपको माफ कर दिया, आप प्लीज जाके पार्टी एंजॉय करिए। आप समझे नहीं हो जी, मैं माफ कर दो, मैं सॉरी। चाचा जी, मैं समझ गया, आप मुझे माफ करो। नहीं नहीं, आप मुझे माफ, मैं आपको माफ। चाचा जी, समझने की कोशिश करिए, मैं लुई से बात कर रहा हूँ। लुई तो गई है जी, तो आप भी जाइए, मुझे माफ करिए। सॉरी, कह कह के दिमाग खराब कर रखा है। बेवकूफ इंडियन। आता है नील पीने के बाद पेशाब बड़ा जोरों से आता है। ओए, तुझे लगे वो बॉस, तू रोको नहीं, बहने तो बहने, जब पेशाब रोकने से पथरी हो जाती है। चाचा जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, प्लीज आप मुझे माफ कर। माफी तो आपको मुझे देनी। अच्छा, मत सीखिए, कल की बात के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ। अरे पर चाचा जी, आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपको माफ कर दूँ? की है कल जब आपने ऑफिस में पानी की मशीन की टूटी। एक मिनट कालिया साहब, पेंट पे गिरा पानी और फिसली हुई जवानी बड़ा बदनाम करती है, समझे? Uh-oh. I'm so sorry. What are you dry cleaning kar rahe? Enjoy yourself. No, Maash, that's not what it is. Kya kar rahe chacha ji? Maash, this is not what it is. Arre, bahut pent ke liye. Aryan, I need to speak to you. Yes, boss. ये ना तुम अपने चाचा जी को संभालो। I am sorry, बोल के ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है, पीछे पड़ गए, पागल कर देंगे यार मेरे को। I am very sorry, sir. अब मेरे को ना कोई आई एम सॉरी नहीं बोलेगा, समझ में आया? कोई नहीं बोलेगा। और ये चाचा जी को संभालो जी। ओके जी, आई एम सॉरी। मुझे, मैं दिल से सॉरी हूँ, रियली सॉरी। चाचा जी, बहुत शर्मिंदा हूँ जी, मैंने क्या बिगड़ा? सॉरी, कोई जम्मा सॉरी। ओ बॉस, तुसी किधर जा रहे हो? क्या सिया का पा रखा है? क्या करना चाहते हो आप? अरे गलती हो गई है गुड्डी, माफी तो मांगनी चाहिए ना। चाचा जी, आपसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गलती हुई है पुत्र, मशीन का कनेक्शन मैंने लगाया। धीरे बोलिए चाचा जी, कोई सुन लेगा। प्लीज। हाय केविन। हाय केविन, मीट माय वाइफ। हाय। हाय, प्लेजर। माय चाची। हेलो जी। हेलो जी। एंड माय चाचा। चाबा चाबा। लुई, लुई, लिसन टू मी, लुई, लुई, लिसन। व्हाई यू गो, व्हाई यू गो? कम ऑन, कम ऑन। प्लीज, आई एम रियली अनकंफर्टेबल। ओके, किस मी, किस मी। कम ऑन। डोंट मी, प्लीज स्टे अलोन। किस मी, किस मी। डोंट मी।
आपको कहा ना, मैंने आपको माफ कर दिया, प्लीज गेट लॉस्ट। बॉस ये पहली बार वाला सॉरी नहीं है, इस बार वाला है जी। इस बार के लिए इसलिए क्योंकि ये आप जो कर रहे हैं ना इस लड़की के साथ गलत है, वो मैं होने नहीं दूंगा, इसके लिए सॉरी। आप मुझे समझाएंगे तेरी सॉरी की ऐसी की तैसी। हटो जी, की होया जी, तुसी ठीक तो हो ना? की होया, तुसी ठीक हो ना? कुछ नहीं, पैर फिसल गया था बुड्ढी। पैर फिसल गया? पैर फिसल गया था। हरियाणा ऐसे कैसे पैर फिसल गया? What happened kid? All good? अरे लेके जाओ इस बुड्ढे को, औकात है नहीं, फोकट में दारू पी के लड़की चेड़ रहा था, बदतमीज इंसान। हाय रब्बा, क्या बात कर रहे हैं आप? पूछिए। चलो जी तुसी यार, इतने नहीं रहना है। गुड्डे गल सुन, गल सुन लिया आप मेरी बात? गल कर रहा हूँ। काली महाराज, तुसी बड़े आदमी हो, ऐसे छोटे गल ना कर, शोभा नहीं देता। हा? लड़की थोड़े ऑफिस विच काम कर दी है तो बाप की जायदाद समझता है, जबरदस्ती करे? तुसी मर्द है तो कुड़ी नू पटा के दिखाना, और जबरदस्ती करेगा तो देश का नाम खराब होता है, लड़की की इज्जत खराब होती है, और ये तो चाइना की है, जल्दी खराब हो जाएगी। प्यार नाल कर, जबरदस्ती ला कर, बल से किया हुआ काम बलात्कार होता है, पर बलात्कार तो मैं तेनु करने नहीं दूंगा। बकवास कर रहा है ये आदमी, he's lying। चलो हो गया ना, सॉरी सॉरी बोल दिया, चलो तू यहाँ से बस। एक एक मिनट खुली गई। ओए बॉस, आखिरी बार सॉरी, वो भी पहली बार के लिए, इस बार के लिए नहीं। तेरी ऑफिस में पानी के मशीन का कनेक्शन मैंने लगाया, तो डाटा तोरी चिकन मैंने बनाया, इसलिए मैं माफी मांगना है। लेकिन तेरी हरकत देख के लगता है तू माफी के काबिल ही नहीं, इसलिए जितने सॉरी थे वो सब मैं वापस ले लेता। ठीक है? You bastard! Relax, kid. Relax. Arjun? Relax. Aryan, move your hand. Relax. ये महंगा पड़ जाएगा Aryan. हाथ उठाओ. Aryan, Aryan, he's not worth our time. हाँ, listen to her. महंगा पड़ेगा, हाथ उठा ले, अभी बोल रहा हूँ. Let's go, Aryan. हाथ उठा. समझ नहीं आता. चल चल. चल. अरे लेके जाओ इनको कोई. आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से. Idiots. आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। Aryan, you are highly underestimating me. चुपचाप से ये resignation letter sign करो, otherwise मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला ना, तुम्हारी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो सकती। सर लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सवाल तुम्हें कल रात पार्टी में पूछना चाहिए था खुद से, जब अपने चाचा के लिए मुझसे पंगा लिया। यू नो, तुम सारे इंडियंस की प्रॉब्लम ही है, लंदन में आके भी लंदन के नहीं हो सकते। 4 साल से मेरे नीचे काम कर रहे हो और उस बुड्ढे को आए 2 दिन हुए हैं और उसके लिए मुझसे पंगा। उस बुड्ढे की ना मैं मां की देना। सर उनको गाली देके क्या मिलेगा? चाचा जी हमेशा के लिए तो नहीं आए, 2-4 दिन में चले जाएंगे बस, और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। प्लीज सर। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ये रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंक देता हूं। अभी जाओ और उस बुड्ढे को निकाल दो। सिंपल है। सर सर ऐसे कैसे निकाल दूं? क्यों, क्या लगता है तुम्हारा? बाप देखो, अपनी नौकरी बचानी है ना, तो अभी के अभी बुड्ढे को घर से निकालो, वरना 1 महीने में जॉब से क्या, मैं तुम्हें लंदन से निकाल दूंगा, समझे?
नहीं जाने देना है मैंने आपको, कोई जरूरत नहीं है। अरे प्रॉब्लम कितने गुड्डी, मैं जाके फटाफट सेट कर देना है। देखो जी, पहले ही आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अब और पंगा मत डालो। पंगा पै जाना है, बात कर। नहीं जाने दूंगी मैं आपको। क्या हो गया? ये फिर काके के ऑफिस जा रहे हैं, उस काली को सॉरी बोलने। ओ गॉड, चाचा जी आपने कल रात को उसको इतनी बार हम सॉरी बोला है ना कि अगले 7 जन्मों तक हम सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दसो इसीलिए सॉरी बोलना है, मुझे काके दी चिंता। काके दी चिंता जी, आप समझ मेरी चिंता। तो एक काम करेंगे। हाँ बोल बोल बोल, काके की करना है बोल बता। मेरे बॉस से बात करेंगे। हाँ अभी फोन पे सॉरी बोल देता हूँ, फिर घर जाके पर्सनली सॉरी बोल दूंगा। नहीं नहीं सॉरी नहीं, उसे 15-20 पंजाबियों वाली मोटी मोटी गालियां बकिए। तेरी गालियां? हेलो बॉस। हेलो, अरे दीजिए दीजिए। हाँ हाँ, ओ कालिए बॉस, और दसो ठीक है? ओ मैं चाचा जी बात कर रहा हूँ। चाचा जी, आपकी तारीफ में चंद अल्फाज कहने दो, मैं भूल गया था, अभी बता दूँ। ओके ओके ओके, एक सेकंड चाचा जी। गाइस प्लीज गेट अप गेट अप गेट अप, टुडे इज अ प्राउड डे फॉर एसडी। The old man who insulted me in the party yesterday, वो मेरी तारीफ में कुछ अल्फाज कहना चाहते। I'll put him on speaker. हाँ चाचा जी बोलिए। ओ मैंने सोचा तू बंदा शरीफ है, लेकिन तू तो इंडिया का नवाज शरीफ निकला। तेरे लिए काम करते करते लोगों का पसीना निकला, और तू तो बहुत बड़ा कमीना निकला। What? तो बोला था तू इज्जत देगा, लेकिन क्या पता तू साला हमारे भी ले लेगा। अरे छर, मैं तो याद कर अपने वादे, कुत्ते कमीने सुअर के प्यादे। अरे तू शैतान की औलाद है, गधे दा भतीजा है, अपने माँ बाप की गलती का नतीजा है। पागल हो गया क्या? अरे चिपकली के अंडे, कुत्ते दा भूत, और कालिए तेरी माँ दी। आई विल किल यू। तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे ताऊ की चाची की, पूरे खानदान दी। चाचा बट ये नौकरी छोड़ा है। नहीं वो मैं वैसे भी नौकरी किसको करनी है चाचा जी, आप देखना मैं खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा, एक जल्दी कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। जॉब ढूंढना ही था तो छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं, निकाल दिया मुझे। अफसोस हो रहा है? नहीं, बट थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था। वो चाचा जी ने जो किया ठीक किया, पर मैं भी एक टिपिकल हिंदुस्तानी की तरह उस कालिये से भिड़ गया। But that's what I love about you. नहीं, बट what but? कोई मेरे साथ ऐसे करता तब भी तुम बट करते? मैं उसका बट तोड़ देता। अच्छा जी, मैं नहीं मानती। तो मत मानो, बट कॉफी में क्या डाला है? वायग्रा। हाँ? वैसे तो कुछ हो नहीं रहा, सोचा इससे कुछ हो जाए। You know what? What? It's working. Really? ये क्या कर रही है? चाची? चाची जी? चाची? काके, ओ काके गल सुन, वो तेरी चाची यहाँ पे आई है क्या? ये फिर से नींद में चल के आ गई। ओए गुड्डी, गुड्डी, सुन दरवाजा बंद कर देता हूँ, नहीं तो फिर से उठ के चली जाएगी। पाकिस्तान की शान, निशाने पाकिस्तान, अब तो तुम अपने अब्बू को बताओगे कि पड़ोस में कैसे दाखिल होते हैंगे। इतने सारे कपड़े मेरे से तो भाई समझ में नहीं है। ये क्या है?
मसाले से हम आपके लिए लाए हैं। इनकी अम्मी और हमारी बेगम काम पे गई हैं और हारून को संभालना है। अल्लाह कितनी समझदार है अंगी यार। तो ये लीजिए इसकी चुस्नी जी। और ये रहा इसका बॉटल। और दूध तो घर में है। हम शर्मिंदा है। हारून अब्बा भी जाएंगे बकरा कटवा के लाएंगे फिर कीमा कलेजी खाएंगे। अल्लाह आपको अति शीघ्र जन्नत बख्शे। हारून चल कन्हैया है ये बस रंग थोड़ा सा दब गया है। कोई नहीं आज मैंने तेरे को गोरा कर देना है। पहले तेल से अच्छे से मालिश करूंगी और फिर अरे बाबा क्या ऐसा मसाज हारून का तेरी माँ ने किया होता अच्छे से नहलाया होता तो तेरा रंग अंग्रेजों जैसे हो जाना था। अब तो मैं तेरे को मलाई लगा के नहलाऊंगी। ए देखो ए देखो ओह माय गॉड व्हाट इज शी डूइंग। आ जाओ। हेलो हेलो 999 प्लीज There's a lady outside my house. I think she's killing this baby. She must be a baby killer. Hey, देखो, हारून को मज़ा आया। Stop it! The baby down. Stop it! Stop it! क्या हो रहा है? Freeze! Stop! Put the baby down. Stand back. Stand back. Give me the baby. सिर्फ अभी उसकी मालिश होनी है। अभी मलाई लगा के उसको नहलाऊंगी ना हारून। Give me the baby. ऐसे कैसे किसी का बच्चा दे दूँ? तेरे अपने बच्चे नहीं हैं क्या? Can you speak English? English, yes, yes, yes. Yeah. Good morning. Good evening. Bye, bye. Okay, Tata. हो गया? Stand back! Stand back! What's going on? Give me the baby, or I will shoot you. भाई इन्होंने तो गोली मार देनी है। चल हाँ। Don't try and hide. You are surrounded by Metropolitan Police. पर मैंने किया क्या? Down the baby now. Baby killer. She's trying to kill your baby. My baby. वो चाची जी कह रही कि आप इसके बच्चे को मार डालोगी। हाय हाय रब्बा। Get back! Get back! Give me the baby, or I will shoot. Can you shoot this woman, please? क्या हुआ वेस्ट इंडीज मैच हार गई क्या भाई साहब? हारून बोलो ना इनको जरा। हाँ आई गिव इट टू हर। यू गिव हर द बेबी। आई डू व्हाट डिड यू गिव? आई विल किल यू। आई विल किल यू। स्टॉप इट। आई विल शूट यू। काके पुत्तर गिव मी द बेबी और आई विल शूट यू। नो 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 ऑफिसर ऑफिसर स्टॉप स्टॉप डोंट शूट। व्हाट हैपेंड? शी इज अ बेबी किलर। शी हैज बीन ट्राइंग टू किल हर बेबी। यस चाची जी ये क्या बोल रही है? बेटा ये रो रहा है ना तो इसकी मालिश कर रही थी बेटा। कुछ रो रहा था ना। वन सेकंड आप पहले बेबी मुझे ठंडे 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 हियर 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 योर बेबी। ऑलराइट द बेबी इज इन हाउ। नो बेबी एक सेकंड ऑफिसर one second I think there's some sort of confusion. She was only giving the baby a massage. That was an Indian style massage. A massage? Yeah. Holding the baby like this? Like this matlab? बेटा वो सांस के लिए ना बहुत अच्छा रहता बेटा। she was doing that because it helps the baby breathe and digest. It's just an Indian style massage. You gotta be kidding. Sorry. I don't believe this. Sorry. I'm sorry. Massager. You. देखो ना भाई सब देखो कितने अच्छे से सो रहा है। मैं इसकी ना मैं रोज मालिश करूँ। No! कोई मालिश नहीं करेगा। आप घर चलो आप अपने घर जाओ। You go, Vikram. अरे रिलैक्स अना यार। चाची ने सिर्फ मालिश की थी बच्चे की। मर्डर थोड़ी किया। वो मर्डर ही था। कोई ऐसे उल्टा लटका के बच्चे की मालिश करता है क्या? That woman could have sued us. अरे पंजाब में बच्चों की मालिश ऐसी होती है। ऐसे बच्चे बड़े होके पहलवान बनते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने बच्चे की मालिश ना चाची जी से करवाना प्लीज। Are you serious? हमारे बच्चे अभी तक यहीं रहने वाले हैं क्या? इरादे तो ऐसे ही लग रहे हैं। अरे एक बात बताओ तुमने मेरा ट्रिमर देखा क्या? मुझे शेव करना है यार। तुम्हें तुम्हारे ट्रिमर की पड़ी है मेरी जींस नहीं मिल रही है इधर। चाचा चाची आए हैं ना तब से घर में हर चीज। चाचा जी मेरे ट्रिमर से क्या कर रहे हैं आप? बगल साफ कर। अरे पर ये शेव करने के लिए। तो शेव ही तो कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास हो गया। ले अब तू कर। इसका मैं क्या करूँगा? तू जैसा मैं कर रहा था तू भी कर। नहीं नहीं चाचा जी
आपको अच्छा लगा? हाँ? आप रख लीजिए। बेटा ये कपड़े हैं। कपड़े? वो बहू की जीन फट गई थी ना, वो सिल दी। सिल दी? हाँ बेटा, खुश हो जाएगी। अरे खुशी के मारे उछल पड़ी। सारे घर में पंजाब की खुशबू बह गई। जी ये पंजाब की खुशबू नहीं फैलिएगी। चाचा जी साइलेंटली पाद मार रहे हैं। क्या जी? सॉरी उनका जरा पेट खराब रहता है। अरे सॉरी कहने क्या बात है, पार ही तो मारा है, कोई बम फूट पड़ा है? देखा गुड्डी, ये पार शायद हमको सब बुजुर्गों से विरासत में मिला है। छट्टू तुसी। अरे पाद मारा है तो क्यों है शर्मिंदा? जो पाद रहा है वही तो है जिंदा। बात है। क्या बात है, मैं तारा मैंने भी पाद के ऊपर गजल लिखी है। वाह क्या बात है, तो हो जाए हो जाए। अरे क्या हो जाए, जाम शाम के बगैर सुनाने का मजा भी तो नहीं है। वो तो सही है। चाचा जी वो आपने लख रुपए की गल की है, जाम तो चाहिए। हाँ ओए गुड्डी। हाँ जी। और ड्यूटी फ्री वाली बोतल निकाल। और काके 7-8 मोटी मोटी मूली, 5-6 लाल लाल टमाटर, 7-8 गाजर, पनीर पापड़, नमकीन सब लेकर आता हूँ चाचा जी। गिलास कौन लाएगा खोते दे पुत्र? क्या क्या मैं तुम्हारे घर की मेड हूँ? मैं बहू गाजर काट दे, बहू मूली काट दे, उन्हें ना काट दूं। काके पापड़ लेकर आ। अरे वो पनीर मिलेगा? अरे नमकीन के बिना चलेगा कैसे? आई हेट दिस बहू एंड काके। पंजाब में ना बेटे को काके बोलते हैं और उसकी बीवी को बहू बोलते हैं। आई एम नॉट ए बहू। बहू लाइट। हेलो। कभी आवाज कभी विदाउट ये आवाज होता है। वाह वाह वाह। कभी आवाज कभी विदाउट ये आवाज होता है। हर एक पाद का एक खास ही अंदाज होता है। कभी पूपा कभी धड़ाम होता है, कभी चुपके कभी सरेआम होता है। होता है भाई होता, अक्सर होता है। Sometimes silent, sometimes violent. कोई दिलकश हसीना छोड़े तो गुलाब खिल जाए। ओ बेबी थोड़े वास्ते है। कोई दिलकश हसीना छोड़े तो गुलाब खिल जाए, हमारी पाद से तो लोगों के दिमाग हिल जाए। When you fart, it smell like a rose. When she fart, drain clothes. अकेले हम कहाँ जहाँ पादता है, अकेले हम कहाँ जहाँ पादता है, पादने के लिए इंसान तो आजाद रहा। कहीं पप्पू पादते हैं, कहीं टोमी पादते हैं, कहीं कोमे पादती है, कहीं कोमी पादते। टैक्स नहीं है पादने पे, सब निशुल्क पाद रहे हैं, कहीं तो पूरे के पूरे मुल्क पाद रहे हैं। अमेरिका ने इराक पे पादा तो ओसामा ने अमेरिका पे पाद दिया, न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद किया। और पाकिस्तान तो हल्के हल्के छोड़ता ही रहता है, हौले हौले फुस्सी वाले फोड़ता ही रहता है। अरे बाकी सबके गिले तो बात के हैं, सबसे ज्यादा तो हमारे अपने ही पादते हैं। अभिनेताओं के पाद तो रिट्वीट होते हैं, उन्हें तो लाइक मिलते हैं, उन्हें तो लाइक मिलते हैं। नेताओं को पादने को माइक मिलते हैं, उन्हें तो माइक मिलते हैं, उन्हें तो माइक मिलते हैं। हमारी पाद के शोले तो बस नाक जलाते हैं, उनके पाद के छर्रे आत्मा हिलाते हैं। अल्लाह। रिश्तों की महक भी ले उड़े पाद। वाह क्या बात। रिश्तों की महक भी ले उड़े पा। वाह वाह वाह। अब बाप पैदा हो रहे हैं बेटों के बाद। यस 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 यस। हाँ चला ही कमाल है तुझे। ओ जी मेहता साहब नहीं है? तो मेहता जी गुजर गए।
He died. कब हुआ है? कल देर रात उनको अटैक पड़ा और बेचारे खत्म हो गए। सुबह मेड गई, उसने देखा तो उसने हमें बताया। बच्चे तो फैमिली में है ना? कमाल है। अरे मेहता साहब, वो जरा धीरे धीरे हंसो जी, धीरे। चाचा जी, मैं तो हंसते हंसते ही मर जाना चाहता हूँ बस। और तो प्रॉब्लम की थे, जोर से हंसो। ओए 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 ओए, ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? ओ भाई, अर्थी मंगाओ, अर्थी में सजा के लेके जाएंगे इनको। अरे मेहता साहब को देखो, हंस रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई जोक सुनते सुनते उनको हार्ट अटैक पड़ा। एक्सक्यूज मी, हमें देर हो रही है। अरे मेहता साहब को कौन सी ट्रेन पकड़नी है पाई, जो देर होगी तो गए। हमको जाना है ऑफिस जी। आपकी तारीफ? हाँ, ये लखते जिगर मेहता साहब के बेटे हैंगे, ये नूरे नजर पोते हैंगे, और ये बिल्कुल बेखबर पर पोते हैंगे इनके। महाराज, आप ऑफिस जाओगे तो बाप का अंतिम संस्कार कब करोगे? वीकेंड पे। इनका अंतिम संस्कार सैटरडे को फिक्स हो गया है। सीधा सैटरडे को, 5 दिन बाद? रिश्तेदार जी बिजी होते हैंगे ना, यहाँ मैयतें जो है छुट्टियों के दिन में उठती हैगी। अरे मियाँ, बाप का अंतिम संस्कार है, को पिकनिक थोड़ी हो जो छुट्टी के दिन मनाओगे। तो जलाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेने का क्या फायदा? फायदा? एक बात बताओ, आप तो मेहता साहब के बेटे हो ना? अब बचपन में कभी बीमार रहे होंगे तो मेहता साहब ने दफ्तर से छुट्टी ली होगी? ली होगी? आज तो बाप की अंतिम क्रिया करनी है, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। मनीष। यस सर। एम्बुलेंस भेज, अंतिम संस्कार आज ही होगा। यस सर। ये हुई ना बात, जैसे आप अपने बाप का अंतिम संस्कार कर रहे हो, भगवान करे आपका बेटा भी आपका अंतिम संस्कार वीक डेज में ही करे। क्या ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं? अरे अच्छे आदमी तो हमारे मेहता साहब थे। भाई बोल जी चाचा जी, गाजे बाजे का इंतजाम करो, हाँ इनका हम विमान निकालेंगे। What the hell's going on here? ये विमान है मेहता का। What does that mean? A plane, aircraft. Have you got a license to fly this aircraft, sir? पूछ रही हैंगी, जो ये प्लेन उड़ा रहे हो, लाइसेंस हैंगा कि नहीं हैंगे? जी हमारे पर तो स्कूटर का लाइसेंस भी नहीं है। ना है जी। Arrest everybody. It's a dead body, not everybody. Chacha Jan, they can arrest anybody. Dead body is nobody. Arrest them. Jayam, jayam. बहुत हो गया। पहले नौकरी से गए, फिर पुलिस स्टेशन गए। 500 pound की पेनल्टी लगी यार, 500 pound. चाची जी को दब देखो, मुंह ढके नींद में चलते हुए।
हमारे कमरे में आ जाती है। चाचा जी नेवर्स का बर्थडे हमारे घर पे मना रहे, फाट पे गाने सुनाते हैं यार, फाट पे आ रहे हैं। गाना नहीं गजल थी। गाना या गजल, स्मेल तो सेम ही होती है ना। साडे पंजाब में ऐदा ही होता है। हेलो उड़ता पंजाब, मतलब उन्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? I think he is loving this. Exactly. He is loving this, but we are not loving this. ऐसे परेशान बैठने से कुछ नहीं होगा आर्यन, उनको वापस भेजो। अरे मेरी माँ वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, उनको कैसे भगाऊँ। प्लान सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तेरे हाथ नहानी, my name is Sheila, Sheila ki jawani, Aryan, I'm too sexy for you. I have an idea. Yeah. Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. Tere haath pe kabhi nahani, mane na mane koi duniya, ye saari mere ishq ki hain deewani. Ab dil karta hai hale hale se, main to khud ko gale lagaun, kisi aur ki mujhe kaise do. लगता मैं गलत घर में आ गया। तो पापे दिया पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई म्यूजिक बंद करने की? अरे मैं कहता हूँ बंद करो ये सब, फौरन ये कपड़े उतारो वरना। कपड़े उतार तो पहने ही कितने? तुमने सुना नहीं क्या? तुमने मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट की? और करूँ? नो, मैं अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूँ। चलो टेरी शेरी। गो टेरी शेरी। रुको टेरी शेरी, रुको। ओए पुत्र बात क्या है, क्या बात है बता तो सही। चाचा जी आप बीच में मत पड़े। अरे तुम अभी तक खड़ी हो, गो टेरी शेरी। रुको टेरी शेरी, और बता क्यों बहू को घर से निकाल रहा है बता। मैं बताता हूँ, मैंने इसको बोला कि ऐसे कपड़े मत पहना कर, चाचा चाची बड़े संस्कारी लोग हैं, बहू को छोटे कपड़ों में देखेंगे तो बड़ा सदमा लग जाएगा, घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सुनती नहीं, देखिए ना कितने गंदे कपड़े पहनी है। अच्छी, अरे बेटा ये कहाँ गंदे कपड़े हैं, कितने धुले धुले कपड़े, और लड़कियां भी कितनी धुली धुली चमक रही। चाचा जी आपको एक कपड़े ठीक लगे? पर आपने तो कहा था कि अगर मैं ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमूंगी तो आप घर छोड़ के चले जाएंगे। चाचा जी याद करिए, पहले दिन आप ही ने यहाँ पे खड़े होके कहा था। पुत्र मैंने तो याद नहीं है कि मैंने। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा यार, याद कीजिए। करता हूँ, याद कर। मैनू याद नहीं है, और वैसे भी लंदन में रह के मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अरे गुड्डी। आपके चाचा जी ने जबरदस्ती खरीदवा दी। बिग बैन के पास 10 में फूल बेच रहा था, मैंने 5 दे के आधा खरीद लिया। वैसे जच रही है ना। शर्मा गई। ओए तू टेरी है? यस। और तू शेरी है? हाँ। है? तो विस्की किसकी है? मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी थी, पी गया। एकाके। अरे अनाया, अनाया, अनाया। अरे लिसन ना, अरे क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? अरे वो नहीं, मेरी अंडरवियर क्यों पैक कर रही हो? यार तूने यहाँ क्यों आया, किसने बुलाया इसको? अरे मुझे क्या पता किसने बुलाया यार, वो अनया वो पिन बुलाए आते हैं। प्लीज कुछ करो वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। अच्छा रो मत, मैं सीधा सीधा जाके बोल देता हूँ कि भाई मुझसे अब नहीं होगा। हाँ वैसे चाचा जी आपको देख के पंजाब की याद आती है। आपको नहीं आती? आती आती है बेटा, आती है।
अच्छा चाचा जी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था पेटीएम ऐप पर फ्लाइट बुकिंग पे कैशबैक मिल रहा है। लंदन टू इंडिया ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री वाले टिकट्स। रियली? हाँ हाँ। अरे वाह। तो बोल रहा था किसी को चाहिए हो तो बता देना। तो बता दूँ? क्या बता दूँ बेटा? अगर फ्री टिकट्स चाहिए हो तो। मैं तो किसको जानता नहीं हूँ कि जिसको इंडिया जाना हो। गुड्डी तू जानती है? नहीं तो पता चलेगा बता दूँ, पर इंडिया क्यों जाना है आज? चाचा जी, वैसे इंडिया नहीं लंदन में बरसात बहुत होने वाली है, मौसम बहुत खराब होने वाला चाचा जी। बारिश हो रही तो प्रॉब्लम करते हैं, हम छाता लेकर ही आए। क्यों गुड्डी जी? दो दो लाई हो, एक बारिश में खोलने के लिए, एक धूप में खोलने के लिए। एक आगे, एक आगे, एक आगे। मेरा तो हो गया, मरा आ गया। मूली के पराठे हजम नहीं होते। देखा ना जरा, पेट खराब होता चाचा जी। तो गुड्डी मीठा देखती हूँ। और सब ठीक? जी चाचा। प्रॉब्लम कित है? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है तो घर जल्दी आऊंगा। जब तक चाचा चाची घर पे हैं मैं घर नहीं आऊंगी। अनाया क्या आ रहे हैं? ये लाइफ के लिए शादी नहीं की थी कि वो आराम से लंदन घूमे और हम यहाँ पे पागलों के जैसे बस। अनाया ऐसे तो क्या आ रहे हैं? वो देखो, अरे ये लोग तो लंदन घूमने गए थे ना। चाचा चाची ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो चाचा जी, लंदन टूर कैसा चल रहा है? ओ जी फर्स्ट क्लास चल रहा है, ये बस तो सब जगह घुमा घुमा के लेके जा रही है पुत्र। अच्छा बस में घूम रहे हैं? गुड्डी गुड्डी नीचे मत जाक, गिर जाएगी। नीचे मत जाक, गिर जाएगी। क्या हुआ चाचा जी? गुड्डी नीचे जाक के बस के टायर गिर रही है। अच्छा चाची जी बस में झांक के टायर गिर रही है। हेलो 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 चाचा जी, शाम को मिलते पुत्र शाम। ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? एक बार पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था। गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इनके सामान की तलाशी लेते हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं लोग। Thank you.
कायदा। अब क्या होगा? यही जो अलकायदा के कायदे में होता है। जी, गुरगफात और सफात खिलखुलात जिसरा। आहो, क्या फायदा कल कायदा? हिजबुल लाइटबुल लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। वल्ला। इन इनका ना जरा पेट खराब रहता है। गुड डे, गुरगफात। तुम चीख क्यों रही हैं जी? कुछ नहीं। डर क्यों रहे हो? आप लोग घूम घूम के आ गए? अरे घुमा घुमा के इन्होंने मेरा सर घुमा दिया। लंदन की एक बात माननी पड़ेगी पुत्र, का बच्चा बच्चा अंग्रेजी जानता है। हाँ। इधर। नहीं। अरे इधर आ। जो, जो। सर जिकाओ। अरे नकली है। ले बो। ले, तेरे लिए। तेरा दिल करता है ना कभी कभी मैंने गोली मारने का, इससे मारना। और ये तेरे होने वाले बच्चे के लिए। इन चाची जान बच्चे कहाँ आएंगे? तो बच्चे आ जाएंगे। खिलौने घर पे रहने से याद रहता कि बच्चा भी आना है। वरना लंदन में टाइम कितने लोगों के पास बच्चे पैदा करने वास्ते। आपने दुरुस्त कहा, दुरुस्त कहा। मुझे देखिए, लंदन में 6 साल से है, लालू खेत हो रखे होंगे। 6 साल में एक हादसा, हारून पाकिस्तान होता, अफरीदी, असलम, सोहेल, 11 की क्रिकेट टीम खड़ी कर देते हैं हम। 11 नहीं, 13 मियां, 13। चाचा जी क्रिकेट है, 11 के प्लेयर होते होंगे। तो तुम्हारे 2 अंपायर भी तुम्हारी तरफ से खेलेंगे होंगे ना? जय तो है। अरे बट गल सुन यार, अरे प्रॉब्लम कितने भाई। हैव टू एकॉम्पनी अस डाउन टू द स्टेशन। गुड्डी गुड्डी गल सुन, नल बंद तो नहीं खुला रहेगा ना? प्लीज। ये कैसे किया तुमने? अरे मैंने पुलिस को फोन करके बोला कि चाचा जी का वीजा एक्सपायर हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने चाचा जी का पासपोर्ट देखा था, 2 महीने का वीजा बचा हुआ था। आए हुए 3 महीने हो गए इनको, पुलिस खुद ही अपने आप भेज देगी इनको। I'm gonna ask a few questions. Please answer correctly. जी, हमारे काके ने बुला दीजिए, प्लीज। आप लोग पहले इनके सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ जी। Sir, please tell me your name. गंगा शरण गणदोत्रा। And your name, please. जी, शाजिया खान। Can I see your papers? वीजा और पासपोर्ट कहाँ है आपका? एक कॉल फोन करने को मिलेगा। किसको फोन करना चाहते हैं? अरे आर्यन, अरे इतने दिनों बाद गुलामी से आजादी मिली है। ये घर अब हमारा है, हमारा जो मन करेगा जहां मन करेगा करेंगे। बाथरूम में खाना खाएंगे, बेडरूम में नहाएंगे और किचन में प्यार करेंगे। किचन में भूख लगी है। चाचा जी आप घर पे? अरे मैं तो शाम को जल्दी आ गया था, थक गया था तो सो गया था। गुड्डी तो अभी भी सो रही है। तेनु पता है की होया? नहीं। ओए मैनू पुलिस पकड़ के ले गए। पुलिस पकड़ के ले गए? किसी खोते दे पुत्र पैन दे टक्के ने फोन कर दिया था कि हमारा वीजा खत्म हो गया, हम गैर कानूनी रहते। अरे उनानु की पता, साढ़े बड़े बड़े कनेक्शन है। मैंने तो 1 साल का वीजा पहले ही बढ़वा लिया था तेरी शादी के टाइम। क्या बोनी सिंह, वो पोनी का हस्बैंड, वो एम्बेसी में तो काम करता है। और इस बार उसको बोल के मैंने 6 महीने का और लगवा दिया। तेरे बच्चे भी होंगे ना, एक गुड्डी भी सब सामान फ्रिज में रखती है। ये
चाचा जी इतना सब हो गया, आपने एक फोन भी नहीं किया, गैर थोड़ी है। जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, बोनी सिंह आया पुलिस में और फटाफट छुड़वा के लेके गया। देख चाचा जी, पासपोर्ट में तो चाची जी का नाम शाजिया खान है बेटा, मुसलमान है। चाचा जी शादी के बाद सरनेम अलग अलग कैसे? अरे मैंने गुड्डी से शादी की है, सरनेम से नहीं, इंसान से शादी की है बेटा, मुसलमान से नहीं की। बहू खाओगी कुछ? हा? नहीं चाचा जी, खा कर आई हूं। ओए पुत्र तू? नहीं मैं भी भूख नहीं लगी चाचा जी। ओए काके गल सुन, वह सब ठीक है, टेंशन नहीं है ना, वो तो बता देना, हाँ हम तेरे ही हैं, हाँ समझ गया? चिंता गाड़ी भगा के लेके जा रहा है, ये तो बता दे कितने जा रहे हैं? चाचा जी हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन करा दूं। ये बात है, वाह 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 पुत्र, तेरा नाम काके नहीं श्रवण कुमार होना चाहिए। बुड्ढी है देखा, ये ऐसे होते हैं विचार जैसे तेरे हाथ का डाला हुआ आम का अचार। पर ये बता सारा सामान क्यों रखवा लिया? मेरा छाता भी अंदर रखवा दिया। देखो चाची जी वो एक दो दिन लग सकते हैं, तो मैंने सोचा अच्छे से घुमा दूं। लेकिन पुत्र हमको तो कल ही लंदन वापस आना है। क्यों चाचा जी? वो अपना ये वो गुरुद्वारे में पाठ रखवाया है। पाठ है गुरुद्वारे। आ जाएंगे ना वापस? जी आ जाइए। बस तू भगा पुत्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा जान हैंगे? उनका पार्सल आया था। क्या है इसमें? अल्लाह जाने क्या है इसमें, दो दिन पहले हमारे एड्रेस पे मंगवाया था, बोला आज ले जाएंगे, कल जा रहे हैंगे ना वो, तो हमने सोचा अभी चल के दे आते हैं, कहीं भूल ना जाए। कहाँ हैंगे कहाँ वो? नहीं चाचा जी ये कॉफी पीने के लिए। हाँ ये तो अच्छा किया बेटा, सुबह तो कुछ खाया नहीं, आ जा कुछ। मैं लगाता हूँ। टू कॉफी प्लीज। जस्ट टू? बेटा तू भी कुछ खा ले, सवेरे से कुछ नहीं खाया। नहीं चाची मुझे भूख नहीं है। अरे गाड़ी में भी नहीं खाया कुछ भी? लगता है तेरे को चाची के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने तो आदतें बिगाड़ रखी है, बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मिस करेगा वही, तू कितने जा है? क्या था? हाँ जा नहीं तो कोई दूसरा उठा ले। जाना ये लड़का भी ना। कुछ भी कहो लेकिन अपना काका है बड़ा पिता। My son. He only ordered two. Get it? Do he mangwaya? No, no. My son, come in.
Three coffee. Sir, he has gone. Your luggage is there. काम से आ जाएगा। हाँ हाँ जी। Excuse me, do you need anything? I'm closing for the day. ठीक है हैं? घबराने की बात नहीं, रूम को छोड़ के थोड़ी ना जाएगा हैं? नहीं कुछ तो मसला है। आर्यन, चाचा जी को फोन करो। क्या हुआ? 1 lakh pounds? तुम्हारे अकाउंट में 70 lakh rupees किसने डिपॉजिट किए? माँ बाप आपके यहाँ थे? चाचा चाची। क्या रिश्ता है आपका उनसे? जी वो हमारे गेस्ट थे और लंदन घूमने आए थे। वो लंदन घूमने नहीं आए थे, अपने बेटे का सामान लेने आए थे। उनका बेटा अजय गंडोत्रा IIT पास आउट, इसी ऑफिस में काम करता था। 9/11 वो न्यूयॉर्क गया था ऑफिस के किसी काम से। जिस वक्त वो हादसा हुआ वो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, लाश तक नहीं मिली उसकी। उसकी मौत की खबर सुन के उसकी मां को स्ट्रोक लगा और 8 साल लग गए उन्हें अपने पैरों पे वापस खड़े होने। उसकी मां को अपने बेटे के लिए आखिरी नमाज पढ़नी थी ग्राउंड जीरो, जिस जगह उनके बेटे की मौत। कुछ 3 महीने पहले वो आए थे यहाँ। इतनी बड़ी ऑफिस में काम करता था मेरा काका। He was a great guy, great friend, great son. ना मैं भूल रहा था कि उसका जो सामान जो है बेटा, हम कुछ दिन बाद ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि लंदन में हमारा बेटा है, बेटे जैसा है, उसकी शादी है तो थोड़े दिन के बाद।
अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहें हो जाएगा। जिस बेटे के सामान को पाने के लिए 9 साल इंतजार किया, जिस नमाज को पढ़ने के लिए माँ ने 9 साल इंतजार किया, हमारी खुशियों के लिए 3 महीने, फिर कुछ दिनों पहले दोनों आए थे। पुत्र एक काम करना, इस एड्रेस पे जरा ये सामान कुरियर करवा दो। शादी के माहौल वाला घर है, हम वहां जाकर हमारी कहानी सुना के काके को दुखी करना नहीं चाहते, ठीक है? अंकल, अजय का एक इंश्योरेंस अमाउंट है 1 लाख पाउंड, लगभग 70-80 लाख रुपए। आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, कल तक ट्रांसफर हो जाएगा। हमारा काका अनमोल था, उसका मोल। और बच्चे की मौत का पैसा कौन माँ बाप खा सकता है? आप वो पैसा हमारा जो लंदन वाला काका है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें, मैं आपको सारी डिटेल दे दूँ, ठीक है? फकीर लोग, पाने की कोई चाह नहीं थी और खोने के लिए कुछ बचा नहीं था उनके पास। पाने की अब चाह नहीं कुछ, खोने को
आखिर उधर कहाँ है तू? ना फोन ना कुछ, माँ की याद नहीं आती क्या? अरे छोड़ो यार, आपकी याद आती नहीं तो आएगी कहाँ से? चल झूठे, कभी फोन नहीं किया। बिजी था वहाँ, मैं अमेरिका आया हूँ, न्यूयॉर्क ऑफिस के काम से। बहुत खूबसूरत जगह, इतना रश में लोग कोई खो जाए तो ढूंढना मुश्किल। मैं यहाँ खड़ा हूँ, चिड़िया है, क्या खूबसूरत जगह है, क्या नजारा है, क्या लाइफ है। छो यार, आपकी उम्र हो गई है, पर फिक्र मत करो, आपको जल्दी यहाँ लेके आऊंगा तो बैग लगाएंगे और साथ में नजारे देखेंगे। आपको पता है माँ, टाइम स्क्वायर के बारे में कहते हैं कि अगर एक बार कोई आपको मिलता है तो यहाँ दोबारा जरूर मिलता है। सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेरे सामने ही है ट्विन टावर, आप आओगे तो दिखाऊंगा, दूर से ही नजर आ जाते हैं। बेटा हमारा आना कहाँ हो, तू आ जा, बड़े दिन हो गए तुझे देखे, बड़ा दिल कर रहा। छोड़ो यार, आंखें बंद करो फिर खोलो, देखो ये मैं खड़ा हूँ और पीछे ट्विन टावर। साढ़े काके का नाम है, क्या कसूर था मेरे बेटे का जो उसका नाम यहां पे छप गया, क्या बिगाड़ा था उसने किसी का, एक ही बेटा था हमारा, वो सारा दिन बस एक ही नाम काके 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 है जी, मेरे को तेरे जैसा दिखता था पोता, ऊंचा लपा कबरू जवान चला गया। अब तो उसका सामान लेने आया था पुत्र, तेनु तंग करने नहीं आया था। मैं गुड्डी से कहता था कि गुड्डी निकल जाते हैं काके को तकलीफ होती होगी, लेकिन ये ट्यूबलाइट है, जे नहीं हम काके का घर सेट करके ही जाएंगे। अब हमारे काके की शादी तो हम नहीं कर पाए, ये तेरी शादी करके लगा जैसे हमारे बेटे की शादी हो गई। गलती हो गई हो तो माफ कर दे। नहीं चाचा जी, गलती तो हमसे हुई है, हमें किसी की आदत नहीं है ना, आपके अपनेपन को समझ ही नहीं पाया।
चाची हम ना झूठे डॉग लवर्स की तरह, जैसे लोग कुत्तों से प्यार करते वैसे हम इंसानों से प्यार करते। जब हमारा मन हुआ तो भी आओ, जब मन हुआ तो भी गो। टॉमी का मन, उसका कैसा मन, वो तो कुत्ता है। इसे हम लोगों ने आपके साथ ट्रीट किया। जब हमारा मतलब निकल गया, छोड़ा है सड़क पे। हमने तो शादी भी मतलब के लिए की थी, पर असली मतलब तो आप दोनों ने समझाया ना। मैं वेरी सॉरी। नहीं बेटा, हमें भी तो समझना चाहिए। बच्चे तो मिट्टी के खिलौने होते हैं, कस के पकड़ो ना टूट जाते। हमने कुछ ज्यादा ही कस के पकड़। चाची जी प्लीज प्लीज। लोग कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपका अपना काका होता तो आप ऐसे हाथ जोड़ते? या वो आपको ऐसे हाथ जोड़ने देता? अरे दिल जीत लिया पुत्र, वाह वाह। हमारा काका होता तो कहता अरे छोड़ यार, और आके सीधा सीने से लग जा। गरीब नवा मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा साई रखियो मेरी ला साई रखियो मेरी लाज। हम हिंदुस्तानी भी कितने अजीब होते हैं ना। पहले मेहमान को भगवान बना के घर ले आते हैं, फिर उनके विसर्जन करने के तरीके ढूंढते हैं। काके आपका अचानक कैसे प्लान बन जाते हैं? अचानक कहाँ बेटा, जब हमको पता चला कि काका के बहू की काका और काकी दोनों आ रहे हैं तो हम आ गए। 3 महीने पहले ही सस्ते में टिकट बुक करवा लिया। अब तो मैं इन दोनों की मालिश करा के उनको अच्छा हट्टा कट्टा बना के ही जाना है। और जी, लेकिन स्कूल छोड़ने मैं जाऊँगा, पार्क तो मैं ही ले जाऊंगी। खेलेगा तो मेरे साथ ना, खिलाऊंगी तो मैं ना। क्या खड़े खड़े सुन रहा है, बाकी प्लानिंग घर पे बताते। जा सामान लेकर। और सब ठीक? सब ठीक चाचा जी। और पुत्र? जी चाचा जी। हम तुझ पे बोझ बनना नहीं चाहते। तू कहे तो हम किसी होटल में रुक जाते। क्यों गुड्डी? आहो जी, हम आप दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहते ना बच्चों। अरे नहीं नहीं चाची जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम पराए थोड़ी ना। अच्छा। लेकिन अगर आप लोगों को होटल में रुकना है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकता हूँ? चपेट मारूंगा मुंह पे। हम गए रहे, पराए हैं, और तेरा हक बनता है रोकने का। एक बार रोक के दिखा, देख हम रुकते कि नहीं रुकते। रोक। रुक जाइए चाचा जी, रुक। पटियाला तेरी जवानी, आजा कर दे शुरू कहानी। हूँ तो मैं एक देसी छोरा पर न जादू इंग्लिश रानी। मचाना शोर है, म्यूजिक में जोर है, स्टाइल मेरा थोड़ा क्रेज़ी है, ये बेबी है। प्यार मिला दे, थोड़ा दारू बिच प्यार मिला दे। नशे दिए बंद बोतले, नशे दिए बंद बोतले। तू ही मंजिल है मेरी, तू ही तकदीर है मेरी, तेरे नाल जिंदगी दी कोई भी कमी। प्यार दा जाम पिला
जाए अब व्हाट टू डू, हुस्न में नशा लो जी मैं फंसा, टेल मी बेबी क्या मैं करूं।